हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। और आज इस गेम में तुम्हें दिखाई देगा कि मैं और मेरा फ़ोन कितनी बुरी तरह हकता है। इस गेम में मैं इतना बड़ा नूब हूँ, मुश्किल से 2-3 किल ही कर पाऊँगा, पर शायद से तुम्हें मेरे इस गेम प्ले से कुछ सीखने मिल जाए। चलो तुम्हें पहली सीख सिखाता हूँ। जब तुम्हारा फ़ोन टट्टी हो, वैसे तो ये मेरा फ़ोन नहीं है, मेरी मम्मी का फ़ोन है। मेरी मम्मी के पास बढ़िया फ़ोन है, मेरे पास टट्टी। पर अगर तुम्हारा फ़ोन कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं सह सकता है, तो प्लीज़ प्लीज़ उसमें गलती से भी कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड करके मत खेलना, वरना तुम्हारा फ़ोन फूक जाएगा, उसके अंदर से आग निकलने लग जाएगी। आग कुछ भी पता नहीं, जब मैं एडिट करते टाइम अभी क्लिप देख रहा हूँ, ये सारी पूरी वीडियो वापस देख रहा हूँ, मुझे इसमें हल्का सा भी स्टटर नहीं दिख रहा। पर जब मैं खेल रहा था, पता नहीं इस गेम के क्या नशे थे या फिर इस मोबाइल के क्या नशे थे, ये इतना स्टटर कर रहा था कि मुश्किल से ही मैं ढंग से खेल पा रहा था, और इसी वजह से अभी मैं मरा भी हूँ। और तो मोस्टली तुम इस गेम प्ले में मेरे हाथ में सिर्फ M416 ही देखोगे। क्यों? क्योंकि M416 गॉड है, पबजी में भी और इसमें भी। इसका बुलेट स्प्रेड ही नहीं होता भाई, सारी गनों का ऐसे बुलेट स्प्रेड हो रहा है कि एक बुलेट कहीं जा रही है तो एक बुलेट कहीं और। अब तुम्हें यहाँ पे मेरी नूबनेस का एक्सट्रीम लेवल दिखेगा। साला एम मेरा बंदों के ऊपर है, फिर भी मैं गोली नहीं चला पा रहा, और एक दो बुलेट में उसने मुझे मार दिया। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में टट्टी भरी हुई है कि मैं बुलेट ढंग से चला ही नहीं पाता, और मेरा एम तो एक नंबर का टट्टी है, वो तो तुमने हर एक गेम में देख ही रहा है। अब यहाँ पे मैं इस गेम की सबसे बड़ी गलती करूँगा, मतलब अपने गेम प्ले की, यहाँ पे मशीन गन लगा लूँगा। यहाँ पे साला घंटा भी बंदे नहीं आए, एक भी बंदा नहीं, और एक बंदा आया तो उसने मुझे पीछे से मार दिया, और मैं इस मशीन गन से मुश्किल से एक ही बंदा मार पाऊँगा, शायद से एक भी नहीं। अब यहाँ पे तो मैं देखेगा, जब दिमाग ना हो तो उसे नहीं चलाना चाहिए इतना। अब मैं आगे सोच के ये गया था कि बंदे अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अगर मैंने मैप पे ध्यान दिया होता और साइड में देखा होता कि मेरे साइड में ही बंदा लड़ रहा है, तो अभी मैं इस टाइम पे मरा ना होता। और इस गेम का मुझे ये फीचर बहुत बढ़िया लगता है, जब भी कोई एनिमी आस पास होता है तो ये बता देता है कि वो स्नाइपर या असॉल्टर है और वो अपने पास है, चाहे मुझे दिखे भी ना, पर मुझे इस बंदे को, जैसे ही इस बंदे ने आवाज़ लगाई स्नाइपर, और मैं समझ आ गया मेरे आसपास बंदा, और मैं अलर्ट हो गया। और यहाँ पे तुमने देखा कि मेरा एम कितना बेगा, और यहाँ पे मैं इस डुअल SMG के एम का फायदा उठाते हुए, और यहाँ पे हम किस्मत से जीतते हुए, जिसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग ज़ीरो है। और यहाँ पे मेरी टीम के बंदे और एनिमी टीम के बंदे मॉडलिंग करते हुए विद अपनी गन्स। हम मानो ना मानो, पर ये जो मॉडलिंग करवाते हैं अपने टीम के बंदे और एनिमी टीम के बंदों से, ये इस गेम के एस्थेटिक्स को और बढ़ा देती है मेरे लिए। तो अब तो यहाँ पे ये सोचोगे, ये मैंने यहाँ पे ये टुपुक टुपुक चलने वाली गन को क्यों लगा रखा है, भाई मुझे भी नहीं पता। मैंने सोचा कि नई गन आई है, बढ़िया होगी, पता चला है तो उसने मेरा सत्यानाश करवा दिया इस मैच में। अब मैं यहाँ पे अपनी शेटी बीमारी से थका चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं उस रेंज में भी एम क्यों खोलता हूँ, मुझे एक हाथी जैसे आदमी को मारने के लिए भी एम खोलना पड़ा, मेरा एम इतना टट्टी है। अब जैसे ही मुझे इस गेम प्ले में पता चल गया कि मेरा उस गेम से काम नहीं चल, उस गन से मेरा काम नहीं चलने वाला, तो मैंने इस गेम की सबसे अभी तक की बेस्ट, जो अभी तक मैंने देखी है, अभी तक की सबसे बेस्ट मशीन गन लगा ली जो मेरे पास है। अब यहाँ पे इस टू करने वाली चीज़ की वजह से मैं बहुत बार अपने बटन भी ब्लर हो जाते हैं, बंदा अगर इस पर फंस जाए तो निकल ही नहीं सकता, और इस गेम प्ले में तो इस चीज़ की वजह से मैं बहुत बार मरूंगा। ये देखो वापस चेप हो गई, ख़त्म ही नहीं होती यार। अब यहाँ पे ये चीज़ मेरा दिमाग ख़राब करने वाली है,
भाई बंदे मर ही नहीं रहे हैं, जितनी मर्जी गोलियां चला लो बंदे मर ही नहीं रहे। उनका एम पता नहीं कैसा है, मुझे पहले मार देते हैं। और यहाँ पे मैं लगातार इस गेम प्ले में तो मैं लगातार दो तीन बार मरते ही रहूँगा, जैसे अभी यूएवी से मर जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बार बार नोटिस कर रहा हूँ, ये जो चाइनीज़ प्लेयर है ये बार बार सबके किल ले जाया जा रहा है। भाई ये चाइनीज़ प्रो प्लेयर हम नूब्स की लॉबी में क्यों भेज देते हैं? इस गेम की भी मैच मेकिंग एकदम एक नंबर की टट्टी है पबजी की तरह। सही बंदों को सही बंदों के साथ मैच मेकिंग कराती ही नहीं है कभी। अब यहाँ पे मैं पता नहीं था हवा में गोलियाँ चला रहा था, मुझे पता है कि मेरे बंदे ने मुझसे पहले मार दिया, वो मुझसे प्रो है, फिर भी अब इस पॉइंट तक मैं इस गेम प्ले में परेशान हो चुका था। और अब मैं हर प्रकार की गन ट्राई करूँगा, हर प्रकार की मतलब हाई डैमेज से लेके हर चीज़ ट्राई करूँगा, पर बंदे का बंदे पे एम ही नहीं लग पाएगा यार। अब यहाँ पे मैं नेड से तो किल ले लूंगा, पर उसका बंदा बदला लेने मेरे पिछवाड़े में आग जरूर लगा गया। पागल कहीं को पीछे से आके मारते हैं यार, इनमें तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी। गेम प्ले के शुरुआत में बोला था इसमें हाई डैमेज गन का हाई बुलेट वो तुम्हें अभी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक दो बुलेट लगी, उसके बाद बुलेट तुम्हें देख दिख रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं। आज के इस न्यू गेम प्ले के लिए बस इतना ही, और अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।